CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम इंसुलिन की कहानी। दोस्तों, इंसुलिन की कहानी के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पहले एपिसोड में हमने सुना था कि किस प्रकार डॉक्टर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग और बेस्ट की जोड़ी ने कुत्तों पर प्रयोग करके इंसुलिन की खोज में आंशिक सफलता प्राप्त की थी। आइए अब सुनते हैं आगे की कहानी। बेंटिंग और बेस्ट की ये जोड़ी अपने शोध प्रयासों से खुश थी, पर उनके मन में ये मलाल भी था कि थोड़ा सा अर्क पाने के लिए उन्हें कई स्वस्थ कुत्तों को मारना पड़ा था। वो ये सोचा करते थे कि कैसे कम से कम कुत्तों के बलिदान से ज्यादा जीवन रक्षक अग्नाशय का अर्क कैसे उपयुक्त मात्रा में उत्पन्न कर सकें। अधिक से अधिक जांचने परखने के लिए उन्हें ज्यादा अग्नाशय अवयवों की जरूरत होने लगी थी, जितने की कुत्तों से हासिल नहीं हो सकती थी। इसीलिए उपलब्ध मवेशियों और अजन्मे बछड़ों के अग्नाशयों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस नए स्रोत से वो डायबिटीज रोग वाले कुत्तों को जिंदा रखने के लिए ज्यादा द्रव्य बना पा रहे थे। संयोग से परिणाम भी अच्छे आ रहे थे, पर वो एक जैसे नहीं थे। कभी ये अर्क सफल रहता था तो कभी असफल। शोध के नतीजे इतने मिले जुले होने लगे कि उन्हें लगा कि खोज को दूसरी दिशा दी जाए। उनकी तलाश उन्हें स्थानीय बूचड़खानों में ले गई, जहां मांस को डिब्बों में बंद करने का काम होता था। कई मुश्किल प्रयासों के बाद इन जानवरों के अग्नाशयों से इंसुलिन प्राप्त करने की विधि उनके हाथ लगी। 9 अगस्त सन 1921 को बेंटिंग और बेस्ट ने जब प्रयोग के नतीजों को मैकलियॉट के सामने रखा तो वो इससे बहुत प्रभावित हुए, पर वो चाहते थे कि और प्रयोग किए जाएं ताकि ये साबित किया जा सके कि अग्नाशय का सार वास्तव में असरदार है। प्रोफेसर मैकलियॉट, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कहां से शुरू करें। डॉक्टर बेंटिंग, आप अपना प्रयास जारी रखिए और आगे बढ़िए। जी सर। सर, जिस अर्क का हमने इंजेक्शन दिया है उससे डायबिटीज वाले कुत्ते की हालत में बेहतरी तो हुई है, उसके रक्त और पेशाब में शक्कर की मात्रा में कमी भी आई है। वेरी गुड। पर प्रोफेसर साहब, एक समस्या है। कौन सी समस्या? हमें इंसुलिन के रासायनिक गुणों का पता लगाना चाहिए। डॉक्टर बेंटिंग, पतझर का मौसम आते आते हमारे शोध दल में एक तीसरा सदस्य भी शामिल होने वाला है। अच्छा, वो कौन है सर? जेम्स बर्ट्रम कॉलिप। वो टोरंटो से हैं। वो हमारे विश्वविद्यालय में सेबेटिकल के तौर पर आ रहे हैं। अच्छा। वो एक निपुण रसायन शास्त्री हैं। उनके पास जीव रसायन विज्ञान में PhD की डिग्री के साथ तंतुओं से सार निकालने का अच्छा खासा अनुभव भी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। सर, क्या वो अपना शोध भी हमारी प्रयोगशाला में ही करेंगे? कोलिप मेरे साथ मेरी प्रयोगशाला में काम करेंगे। जी सर। उनका शोध कार्य होगा रक्त और पेशाब में शक्कर की मात्रा कैसे बढ़ती है और उससे अम्ल क्षार के संतुलन में कैसे बदलाव आता है, इस बारे में। जी सर। और ये जहां कुत्ते रखे गए हैं, इससे कई ब्लॉक दूर पैथोलॉजी की इमारत में वो अपनी अलग प्रयोगशाला बनाएंगे। जी। अब सर, हमारी शोध की प्रगति का क्या होगा? मुझे उम्मीद है डॉक्टर बेंटिंग कि आप दोनों कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण कर सकते हैं। जरूर। अब तक आपने जो किया है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण। बिल्कुल सर। मैं आपके लिए और धनराशि का इंतजाम करूंगा। धन्यवाद। आप दोनों जल्दी ही सभी सुविधाओं से सजी बेहतर प्रयोगशाला में अपना शोध कार्य करने के लिए जा सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर बेंटिंग। बेंटिंग और बेस्ट की शोध के परिणाम जर्नल ऑफ लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल मेडिसिन के सन 1921 के नवंबर अंक में छपी। इसका शीर्षक था द इंटरनल सेक्रेशन ऑफ द पैनक्रियाज। एक बार फिर भाग्य उन पर मेहरबान हुआ। अब काम
तेजी से होने लगा। सवाल यह था कि मानव प्रयोग के लिए पहले कौन सी प्रयोगशाला सफल होगी। जेबी कॉलिप एल्कोहल का इस्तेमाल कर निथारने वाली विधि से इंसुलिन विशुद्ध करने में लगे हुए थे। और फिर एक रात की बात है, मैंने कर दिखाया। कॉलिप शाबाश। थैंक यू। मुबारक हो, ये जरूर एक यादगार लम्हा होगा। हाँ दोस्त बेंटिंग, ये एक जादुई क्षण था। लेकिन आखिर तुमने ये किया कैसे, हमें भी तो बताओ वो तरीका। मेरा मतलब विशुद्धिकरण के चरण। मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैकलियोड ने खासकर इस बात का किसी से भी जिक्र करने से मना किया है। अब मैं आगे इंजेक्शन की सही सही खुराक का पता लगाने का प्रयास करूंगा। हाँ, जरूर आप सफल हो, भगवान आपकी मदद करे। जी जी, शुक्रिया। बेंटिंग और बेस्ट की टीम अब मनुष्य पर अपना प्रयोग दोहराना चाहते थे, पर ये करें तो किस पर। अचानक दिसंबर के तीसरे सप्ताह उन्हें ये पता चला कि पाचन ग्रंथि का अर्क का कोई नमूना असर नहीं दिखा रहा था। इसी दौरान उन्होंने अर्क के इंजेक्शन को अपने पर आजमाने का इरादा किया। इंजेक्शन के बाद उन्हें कमजोरी और सिर में चक्कर महसूस जरूर हुए, पर कोई खास नुकसान नहीं हुआ। सन 1921 के क्रिसमस से 5 दिन पहले फ्रेडरिक बेंटिंग के यहां एक मेहमान आया। अंदर आ जाइए। फ्रेडरिक बेंटिंग के उम्र के तकरीबन बराबर एक लंबे कद का शख्स, जिसका नाम जोसेफ गिलक्रिस्ट था, अंदर आया। कमजोर और दुबला वो शख्स टेबल की दूसरी तरफ रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। बेंटिंग? अरे तुम जोसेफ, कितने कमजोर हो गए हो। अरे तुम्हें हो क्या गया है जोसेफ? पिछली बार जब हम मिले थे तब के बजाय तुम्हारा वजन कितना घट गया है। बेंटिंग, मुझे डायबिटीज हो गया है, शक्कर की वजह से मैं मर रहा हूं। और अब तो ये स्थिति है कि शक्कर मेरे लिए जहर बन चुकी है। जोसेफ, हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बेंटिंग के लिए ये कबूल करना मुश्किल हो रहा था कि डॉक्टर गिलक्रिस्ट को मधुमेह है। दोनों 5 वर्ष पहले फौज में कैप्टन थे और दोनों ने एक ही तरह से एक ही वर्ष डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और एक ही पेशे को चुना। वो स्कूल के दिनों से बहुत अच्छे मित्र थे, एक साथ ही स्कूल की रेस में दौड़े थे, खुशी के कई घंटे गुजारे थे, साइकिल मुकाबले में एक दूसरे को मात दी थी। उन्होंने जिंदगी के 25 वर्ष जी भर कर जिए थे। जोसेफ, हौसला रखो, हम डायबिटीज का इलाज जरूर ढूंढ निकालेंगे। बेंटिंग, इससे पहले कि मैं इस बीमारी की वजह से दुनिया छोड़ दूं, क्या तुम्हें लगता है कि कुछ चमत्कार होने वाला है? जोसेफ, चमत्कार भी होते हैं। याद है तुम्हें, मैंने डॉक्टर की राय मानने से इनकार कर दिया था जब उन्होंने मेरे हाथ काटने की बात कही थी, और देखो मैं बच गया। बेंटिंग, तुम्हारे बचने की कम ही सही, लेकिन उम्मीद थी। पर मेरे बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है?
नहीं नहीं जोसेफ, नहीं, यहां पर तुम गलत हो। देखना, मैं इलाज का जरूर पता लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा, बस ईश्वर मेरी मदद करे। क्यों बचकाना बातें कर रहे हो? नहीं, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। नहीं जोसेफ, नहीं, बुजदिलों वाली बातें मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ। 11 जनवरी सन 1922 को डायबिटीज के एक मानव मरीज पर इस हार्मोन को आजमाने का पहला मौका सामने तब आया जब लियोनार्ड थॉम्पसन नामक के 14 वर्ष का एक लड़का, पहला ऐसा डायबिटीज का मरीज जिसे इंसुलिन के इंजेक्शन के लिए चुना गया। डॉक्टर जेफरी, यस, वार्ड एच का वो लड़का जो यूनिवर्सिटी के प्रशिक्षण अस्पताल में दाखिल है, उसका क्या हुआ? आपका मतलब है लियोनार्ड थॉम्पसन? हाँ वही। उसकी हालत तो बहुत गंभीर है। हाँ? वो अर्धमूर्छित अवस्था में है, वो रोग के आखिरी दौर में है। अब डॉक्टर जेफरी, क्या एंटी डायबिटिक का अर्क हम उस पर आजमाएं? जरूर। तो ठीक है, आइए मेरे साथ। ये लीजिए, ये रहा इंजेक्शन, इसमें अर्क का 15 मिलीलीटर है। ठीक है, तो चलिए मरीज के पास चलते हैं। ठीक है, आइए। डॉक्टर जेफरी ने मटमैले रंग के डायबिटीज के विरुद्ध काम करने वाले अर्क का इंजेक्शन उसके कूल्हे में लगा दिया। 12 रोज बाद 23 जनवरी को लियोनार्डो को पाचन ग्रंथि के अर्क का दूसरा इंजेक्शन दिया गया। डॉक्टर बेंटिंग, अरे डॉक्टर जेफरी आइए ना। डॉक्टर बेंटिंग, इंजेक्शन ने तो काम कर दिया, लियोनार्डो पहले से बहुत चंगा है। अरे वाह, उसकी भूख लौट आई है, वो देखने में भी अब तंदुरुस्त नजर आ रहा है। वो बताता है कि वो पहले से अब बहुत बेहतर और मजबूत महसूस कर रहा है। अब ये देखिए, ये रिपोर्ट लाइए, ये लीजिए। अरे वाह, उसके रक्त में शक्कर की मात्रा अब सामान्य है, पेशाब में भी अब करीब करीब गायब है जी, कीटोन भी गायब हो गए हैं। अरे वाह, ये तो सचमुच बड़ी अच्छी खबर है जी। एक मधुमेह के रोगी बच्चे के पहली बार स्वस्थ होने के इस ऐतिहासिक प्रकरण के एक महीने बाद अगला सवाल ये था कि हार्मोन के इंजेक्शन के इस प्रयोग के लिए दूसरा मानव कौन होगा। 11 फरवरी सन 1922 को डॉक्टर बेंटिंग ने निश्चय किया कि वो अपने मित्र जोसेफ पर ये प्रयोग करेंगे। बिना इलाज के जोसेफ वैसे भी मौत की ओर बढ़ रहे थे, अगर हार्मोन इंसुलिन काम कर गया तो वो बच भी जाएंगे और जी भी पाएंगे। उन्होंने जोसेफ के लिए संदेश भेजा, उसमें बता दिया था कि उनके दिमाग में क्या था। डॉक्टर बेंटिंग, हाँ जोसेफ, आगे बढ़ो और इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दो। ये बीमारी मुझे धीरे धीरे मार रही है, इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है? अगर इंसुलिन काम कर जाता है तो हम जश्न मना सकेंगे, और अगर नहीं तो भी मेरी और ज्यादा क्या दुर्गति हो सकती है। जोसेफ, मैं उम्मीद करता हूं कि इंसुलिन शरीर में जाकर अपना काम जरूर करेगा। मेरे दोस्त, तुम्हारी इसी उम्मीद में मेरी जिंदगी के बचने की उम्मीद है, और ये उम्मीद जरूर कामयाब होगी। लगा दो इंजेक्शन। बस हो गया।
मानव हृदय में कुछ न कुछ आशा हमेशा बनी रहती है, और यही हालत थी फ्रेडरिक जोसेफ और चार्ल्स की। फ्रेडरिक की सारी उम्मीद इंसुलिन पर टिकी थी। कोई वजह नहीं थी कि इसका कोई असर नहीं होगा। इसके बावजूद 2 घंटों तक जोसेफ की हालत में तब्दीली नहीं हुई। उनका चेहरा फीका पड़ रहा था, उनकी सांसें रुक रही थी। फ्रेडरिक को सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करें, और इसलिए वो विचलित थे। बेंटिंक। हाँ जोसेफ। तुमने कोशिश की मेरे दोस्त, तुमने कोशिश की। शुक्रिया। जो भी मुमकिन था तुमने किया, और इन सब के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अरे इसमें धन्यवाद कैसा। तुम देखना जोसेफ, दवा जरूर असर करेगी। हाँ, हो सकता है कि मानव शरीर में कुत्ते के मुकाबले दवा को असर करने में कुछ ज्यादा समय लगे, लेकिन दवा अपना असर जरूर दिखाएगी। कोई बात नहीं दोस्त, बस तुम यही रुके रहो, बेस्ट आता ही होगा। डॉक्टर बेंटिंग। अरे अरे आओ बेस्ट। मैंने लेबोरेटरी में जाकर पेशाब का टेस्ट किया है। अच्छा, तो पेशाब के टेस्ट में क्या नतीजा आया है? डॉक्टर बेंटिंग, इसमें शक्कर की कोई मात्रा नहीं आई है। अरे वाह, ये तो सचमुच बड़ी अच्छी खबर है। जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंजेक्शन से आखिर में जोसेफ की स्थिति में सुधार होगा। जरूर होगा। मैंने अपने लोगों को बताया है कि मैं आज ओंटारियो में पहुंच रहा हूँ, पर मैं तुम्हारे संपर्क में जरूर रहूंगा। जी, अपना ख्याल रखना। डॉक्टर बेंटिंग रेलगाड़ी पर रवाना हो गए, और उनका ध्यान अभी भी चिंता मुक्त नहीं था। उन्होंने अपने को इतनी दयनीय अवस्था में इससे पहले कभी नहीं पाया था। उन्हें पूरा यकीन था कि इंसुलिन से जोसेफ अपनी समस्या से निजात पा लेगा। जब वो घर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि जोसेफ उनसे टेलीफोन से संपर्क करने का प्रयास कर रहा था। वो जोसेफ को टेलीफोन करने ही वाले थे कि टेलीफोन की घंटी बजी। हेलो। हेलो बेंटिंग। हाँ, मैं डॉक्टर बेंटिंग बोल रहा हूँ। बेंटिंग, मैं जोसेफ। अरे जोसेफ, कैसे हो तुम? बेंटिंग, जैसे ही तुम अस्पताल से बाहर निकले, मेरी सांसें सहज हो गई। क्या? मेरी थकान गायब हो गई। मेरा दिमाग शांत हो गया। सच जोसेफ? और जानते हो बेंटिंग, हाँ? मेरी भूख वापस लौट आई। थैंक गॉड। एक लंबे अरसे के बाद मैंने भर पेट खाना खाया। मैं तो जैसे एक तरह से खाने का स्वाद बिल्कुल भूल सा गया था। ओह जोसेफ, जोसेफ, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, मेरे सिर से बोझ उतर गया जोसेफ। बेंटिंग, तुमने मुझे जीवन का अमृत दिया है। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया बेंटिंग। अरे नहीं नहीं, दोस्ती में शुक्रिया कैसा जोसेफ। हाँ। याद रखो, ये स्थायी निदान नहीं है। तुम्हें हर रोज इंसुलिन का एक टीका लगवाना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो तुम और भी लंबी उम्र जी पाओगे। हाँ बेंटिंग, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। अरे नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। नहीं जोसेफ, नहीं। कैसे करूं? अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा, ठीक है? हाँ। अच्छा, मैं भी बेचैन हूँ तुमसे मिलने के लिए। हाँ, जरूर मिलूंगा। और उस दिन के बाद इंसुलिन की हर नई खोज किसी दूसरे मरीज पर आजमाने से पहले जोसेफ पर टेस्ट की गई। इंसुलिन के अनेक प्रयोगों के दौरान अपनी नसों से रक्त के जो नमूने वो आजमाने के लिए देते थे, और उनकी प्रतिक्रिया का सच्चा और सटीक ब्यौरा जो उन्होंने दिया है, उससे चिकित्सा विज्ञान में एक नया अध्याय लिखा गया है। तीस
दिसंबर सन 1922 को प्रोफेसर मैकलियोर ने शोध कार्य के परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए बेंटिंग को येल यूनिवर्सिटी में आयोजित अमेरिकन फिजियोलॉजिकल सोसाइटी कॉन्फ्रेंस भेजा। उनके व्याख्यान का शीर्षक था द बेनिफिशियल इन्फ्लुएंसेस ऑफ सर्टन पैनक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट। 18 महीने से भी कम समय के इन चार शोधकर्ताओं के संयुक्त प्रयास ने विश्व को मधुमेह का कारगर इलाज दिया। ये और बात है कि वो अपने काम के दौरान एक दूसरे से लड़ते रहते थे और 26 अक्टूबर सन 1923 को नोबेल कमेटी ने फ्रेडरिक जी बेंटिंग और जॉन जी मैकलियोट को उनके इंसुलिन के आविष्कार के लिए चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार देने का निर्णय लिया। बेंटिंग न तो व्यक्तिगत तौर पर और न ही पेशे से इसके लिए तैयार थे, पर यह खबर मिली जुली खुशी ले आई। इससे उनकी ईमानदारी को आघात पहुंचा, क्योंकि उन्होंने महसूस किया ये पुरस्कार उनके और उनके सहयोगी चार्ल्स बेस्ट में बंटना चाहिए था, ना कि उनके और मैकलियोट के बीच। अब जब वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे, बेस्ट को भुला दिया गया था। सर, मैं इस बड़े अन्याय के विरोध में नोबेल पुरस्कार लेने से इनकार कर दूंगा। डॉक्टर बेंटिंग, मैं टोरंटो विश्वविद्यालय के डीन की हैसियत से ही नहीं, बल्कि एक कनाडा निवासी की हैसियत से ये कहना चाहूंगा कि नोबेल पुरस्कार जीतना हमारे लिए एक गौरव की बात है। जानता हूं सर, जानता हूं, लेकिन ये बेस्ट थे जो गर्मियों के मौसम में छोटी सी प्रयोगशाला में पसीने में तर लगे रहते थे मेरे साथ, ना कि मैकलियोट। ये बेस्ट थे जो बुनसेन बर्नर के लॉ पर बनाए थोड़े से भोजन को मेरे साथ बांट कर खाते थे, और ये बेस्ट थे सर जो मेरे साथ रातों को कुत्तों की तलाश में लगे रहते थे, शहरों की गलियों में उन लोगों को ढूंढते रहते थे जो कुत्ते बेचने को तैयार होते थे। डॉक्टर बेंटिंग, आप हमारे राष्ट्रीय नायक हैं। आपका कीर्तिमान कनाडा के दूसरे नौजवानों को विज्ञान शोध में जाने के लिए प्रेरित करेगा। सर, मैं आशा करता हूं कि मैं कभी भी इतना खुदगर्ज, इतना स्वार्थी ना बन जाऊं कि मैं ये भूल जाऊं कि मैं सबसे पहले एक डॉक्टर हूं। मैं रोगियों का इलाज करना चाहता हूं सर, सिर्फ उन्हें आराम पहुंचाने तक अपने को सीमित नहीं रखना चाहता। बेंटिंग पर उनकी देशभक्ति और अपने कर्तव्य के प्रति श्रद्धा उन पर हावी रही। बेस्ट को उनका हक मिले, इसलिए बेंटिंग ने तुरंत बोस्टन स्थित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल में टेलीग्राम का संदेश भिजवाया। उस टेलीग्राम में बेंटिंग ने ये लिखा था, आई एस्क्राइब टू बेस्ट इक्वल शेयर इन द डिस्कवरी, हर्ट दैट ही इज नॉट सो एक्नॉलेज्ड बाय नोबेल ट्रस्टीज। बेंटिंग की घोषणा के बाद प्रोफेसर जे जे मैकलियोर ने भी अपने पुरस्कार की $40,000 की धनराशि डॉक्टर जे वी कॉलिप के साथ आधी आधी बांट ली। कुल मिलाकर सन 1923 एक अत्यंत रोमांचकारी वर्ष था। कृतज्ञ कनाडा राष्ट्र की संसद ने बेंटिंग को $7,500 की सालाना आजीवन पेंशन देने की घोषणा की। उन्हें टोरंटो विश्वविद्यालय में चिकित्सा शोध के लिए अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। इस पद को नाम दिया गया बेंटिंग एंड बेस्ट चेयर ऑफ मेडिकल रिसर्च। सन 1934 में ब्रिटिश साम्राज्य ने बेंटिंग को सर की उपाधि से सम्मानित किया। जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो बेंटिंग ब्रिटिश और उत्तरी अमेरिका की डॉक्टरी सेवाओं के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। वो उड़ान से संबंधित विमान चालकों के व्याप्त खतरनाक समस्या ब्लैकआउट का समाधान ढूंढना चाहते थे।
ऐसी ही एक उड़ान T-9449 में अटलांटिक में सन 1941 को वो दुर्घटना का शिकार हो गए। उनकी उम्र केवल 50 वर्ष थी। साथियों, मानवता इंसुलिन के इस अमूल्य योगदान हेतु उनका सदा आभारी रहेगी। 18 महीने के शोध से इंसुलिन का इजाद हुआ और ये ऐसी खोज थी कि जिसने मधुमेह की दुनिया ही बदल कर रख दी। आधुनिक चिकित्सा में ये एक अति महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इसका चिकित्सा इतिहास में अनोखा स्थान है। इसने लाखों लोगों को जीवन दान देकर एक कर्मशील और सामान्य जीवन प्रदान किया है। इंसुलिन की कहानी, एपिसोड 2। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। शोध आलेख तथा विषय संयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कलाकार अश्विनी वालिया, राजश्री त्रिवेदी, परवेज गौहर, प्रवीण शर्मा और सुनील लोहिया। ध्वनियांकन बटी लैंगडिंगडो, निर्माण सहायक विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन तथा निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति CIET NCERT।